अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बड़ी हरी मिर्च का सालन, जिसे हमने इस तरह बीच में से कट मारा है और इसमें इसे हम इस तरह से एक में से इस तरह से बीच में से काटेंगे। आप चाहे तो इसे साबित भी रख सकते हैं। हम इसलिए काट रहे हैं कि ताकि सबके खाने में आए, तो आप चाहे तो इसको इस तरह साबित भी रहने देते। इस तरह हम पूरी हरी मिर्ची को काट देंगे और जो छोटे हैं उसे रहने देंगे। और इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम तेल में कड़ी पत्ता डालेंगे, जो इस तरह डाली के साथ ही डाल देंगे, इस तरह काढ़ी के साथ, ताकि इसे हम बाद में बाहर निकाल सकें। और ये कड़ी पत्ते के दो तीन स्टिक लिए हैं हमने, जो हम बघार के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमें चाहिए, हमने 3 टेबल स्पून फल्ली के दाने लिए हैं, जिसे हमने भूनकर छिलके निकाल दिया है। आप चाहे तो छिलके के साथ भी इसे भून सकते हैं। और 4 टेबल स्पून तिल लिया है और 4 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस लिया है और 1 टीस्पून हल्दी लिया है और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और 1 बड़ा नींबू लिया है, जिसका रस 1 टेबल स्पून निकला, और 2 टेबल स्पून दालवा लिया है, जिसे भुने हुए चने भी कहते हैं, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा और 3-4 कलियां लहसुन के बघार के लिए, जो हमें लगेंगी, और रई लिया है हमने बघार के लिए, और ये जीरा 1 टेबल स्पून लिया है, जो हम इन सबको भूनकर एक साथ पीस लेंगे। इसे हमें बारीक मिक्सर में पीसना है। तिल, फल्ली के बीज और जीरा, ये तीनों को एक खट्टा पीस लेंगे। सबसे पहले हम जो तिल लिया था उसे हम पैन में लेकर भून लेंगे तवे पर। फिर उसी में हम जीरा, थोड़ा हल्का ब्राउन होने के बाद फिर जीरा डालेंगे। फिर ये दालवे को भी हल्का सा भून लेंगे, ताकि जल्दी से बारीक पिसा जाए। और फली, अब इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, इसे भी तिल के साथ ही भून लेंगे। और इसी तरह हम एक के बाद एक ये दालवा भी हल्का सा भून लेंगे और फली के बीज भी और थोड़े हल्के भून लेंगे, ताकि पिसते वक्त आसानी से पिसे जाए। ये चारों को हम फिर एक खट्टा मिलाकर पीस लेंगे। इस तरह इसे हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर एक मिक्सी में इसे बारीक पीस लेंगे, सूखा पाउडर ही पीस लेंगे, सूखा ही बारीक, एकदम बारीक पीस लेंगे। इस तरह हमने इसको एक मिक्सी जार में इसको बारीक, इस तरह बारीक पाउडर पीस लिया है, सूखा ही पीसा है हमने, इसमें पानी नहीं डालना है। अब इसे हम बघार में डालेंगे। सबसे पहले हमने कड़ी पत्ता, एक पैन में कड़ी पत्ता डाल लिया है, ये इस तरह साबित ही रहने देंगे इसको, ताकि हम इसको बाद में बाहर निकाल दें। फिर इसमें 1/2 कप मीठा तेल डालेंगे और फिर 1/2 हम बघार के लिए रखेंगे। जब तक कड़ी पत्ते में से खुशबू ब्राउन ना हो, इसे भुनेंगे हम। फिर उसके बाद एक के बाद एक मसाले डालेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे, जो हम बताना भूल गए थे। इसके बाद इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। फिर इसे अच्छी तरह दाग लगने तक भूनेंगे। जब इसमें से खुशबू आना शुरू होंगे, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम
नमक डालेंगे ताकि मिर्चों के अंदर तक नमक चले, अंदर तक जाए। नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रीन चिली सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए हम थोड़ा कम ही डालेंगे। फिर अगर आपको लगे कम है तो फिर आप और डाल सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा कम ही डालेंगे नमक। हमने इसको 3 से 4 मिनट भुना है इसको, फिर उसके बाद हम इसमें ये हल्दी पाउडर डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाले नीचे लगते हैं दाग वो ना लगे। फिर उसके बाद जो मसाला हमने पिसा था वो डाल देंगे। इसमें हम 1-2 कप आप आपके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। हम इसमें अभी और 1/2 कप पानी डाल रहे हैं। थोड़ी ग्रेवी रहे उतना पानी डालना है हमें, ताकि बहुत सूखा भी ना रहे सालन और बहुत पतला भी नहीं करना है, इसे हमें मीडियम रहने देना है। मसाले पके तक हम इसे और 4 से 5 मिनट ढक्कन ढक कर पकने देंगे। हमने इसमें 4-5 कप पानी डाला है और इसे हम 5 मिनट ढक्कन ढक कर मिर्चियाँ थोड़े गलने तक इसे पकने देंगे। बीच बीच में आप थोड़ा ढक्कन हटा के इसको चेक भी करें। फिर इसके बाद हम इसमें नींबू जो निकाल के रखा था रस, उसका डाल देंगे हम। फिर एकदम आखिर में ग्रीन केचप डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस जो है वो आखिर में डालेंगे। हमने इसे 1/2 घंटा ढक्कन ढक कर इसे पकने दिया है, इसे इस तरह नरम होने तक 1/2 घंटा हमने इसमें पकने दिया। और फिर इसमें हमने टोटल 1 लीटर पानी डाला है, क्योंकि इसमें दालवा है जिसके लिए हमें पानी ज़्यादा लगता है, पानी दालवे की वजह से हमें पानी ज़्यादा डालना है। और अगर आप चाहें तो जल्दी गलाने के लिए मिर्ची, तो आप सबसे पहले कड़ी पत्ते के साथ ही हरी मिर्ची डाल सकते हैं। हम थोड़ा उसे इस तरह साबित रहने देना था अभी, तो हमने इसे बाद में डाला। आप चाहें तो इसे पहले भी फ्राई कर सकते हैं, तो आपको बस 10-20 मिनट लगेंगे पकाने के लिए। हमें साबित रहने देना था बल्कि हमने इसे बाद में डाला अदरक लहसुन के बाद। आप चाहे तो तेल में पहले फ्राई कर सकते, तो उससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको जल्दी है पकाने के लिए। सबसे लास्ट में हम इसमें ग्रीन केचप डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर आखिर में इसमें हम बगा डालेंगे। अब ये बात याद रखिए कि इसमें नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि ग्रीन केचप में भी नमक होता है, इसलिए हमने इसमें नमक कम डाले। फिर आप चख के आपके हिसाब से डाल सकते। फिर इसे केचप डाले बाद और 2-3 मिनट पकने देंगे। कम से कम इसमें 3 टेबल स्पून हमने ये जो तेल बचा के रखा था, 3 टेबल स्पून तेल है ये, इसे हम बघार के लिए ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे, इसे हमने इस तरह से चॉप कर दिया था। थोड़ा लहसुन ब्राउन में बस उसमें जीरा और रई, फिर आखिर में कड़ी पत्ता डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर आँच को थोड़ा कम कर देंगे, फिर रई डालेंगे, फिर उसके बाद सबसे आखिर में कड़ी पत्ता डालेंगे।
इसके बाद हम इसे सालन पे डाल देंगे। इसके बाद इस तरह हम इसे गरम गरम डाल लीजिए। हमारा हरी मिर्ची का, ग्रीन मिर्ची का सालन तैयार है, जिसे आप गर्मा गर्म रोटी या गर्मा गर्म चावल से भी परोस सकते हैं।